आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन। वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है, चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को, ये फ्री की रेवड़ी है, और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए जाते हैं, हजार ताकि खूब पैसा बनाया जा सके, हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्री भी रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, जनता को सुविधाएं नहीं देंगे, अपने मंत्रियों को सुविधाएं देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके बांटते हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति है। आज जनता को तय करना है, देश को आज मैं पूछना चाहता हूं, जनता को तय करना है ईमानदारी की राजनीति चाहिए कि भ्रष्टाचार की।